हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा। संलग्न चित्र से धारा I का मान बताइए, धारा I का मान बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, आपको एक फिगर बना हुआ है आपके सामने, इसमें से हमें क्या करना है, I का मान बताना है। कैसे बताएंगे हम लोग, वो बात है। आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। किरचॉफ के कितने नियम है, दो नियम है, दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो किरचॉफ के नियम में पहला नियम है संधि का नियम। तो वो उसका मतलब क्या होता है, सुनो, किस किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नियम क्या है कि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे समझो, जैसे यहाँ से कोई धारा है 2 एम्पियर की आ रही है, इधर से भी कोई धारा 2 एम्पियर की आ रही है, ठीक है, और यहाँ से कोई धारा जा रही है और यहाँ से इधर से निकल रही है बाहर 2 एम्पियर की। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो ये 2 एम्पियर ये भी आ रही है, तो प्लस का 2 एम्पियर लिख लेंगे। और ये जा रही है, मान लीजिएगा यहाँ पर, कि जैसे ये बाहर जा रही है 2 एम्पियर, तो माइनस का 2 एम्पियर लिखेंगे। और ये I मान लीजिए बाहर जा रही है, तो उसको माइनस का I लिखेंगे। तो इनका सभी का योग 0 होगा। इस कहने का मतलब क्या है कि संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये बात हो गई। और संधि की ओर आने वाली धाराएं, जो पॉइंट संधि, संधि उसे कहते हैं जब मिलान बिंदु होता है, कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग लगाएंगे, समझो कैसे लगाएंगे, समझो। देखो आप लोग, पहले देखो बिंदु P पर हम लिखेंगे, पहले बिंदु P के लिए, बिंदु P पर लिख लें चाहे धारा लिखें, देखो बिंदु P पर देखो आप लोग, तो ये जो आ रही है इधर के लिए, तो 2 एम्पियर आ रही है, तो लिखेंगे 2 एम्पियर प्लस, आप देखो ये तो आ रही थी, गोला कर दिया 2 एम्पियर की, ये भी बिंदु P पर जा रही है, तो लिख देंगे 2 एम्पियर। अब देखो बिंदु P की ओर आ रही थी, अब देखो ये 1 एम्पियर की जो है, जो बिंदु P से अलग जा रही है, जो अलग जा रही है उसको लिखेंगे माइनस का 1 एम्पियर हो जाएगा। और I1 जो है ये भी जा रही है बिंदु P से बाहर की ओर, तो लिखेंगे माइनस का I1, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग पहले इतनी बात समझ चुके होंगे आप लोग, यहाँ पर अगर चाहें आप लोग तो आप लोग I1 का मान निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, I1 का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 2 4 -1 कितना बचा आपका, 3 एम्पियर बचा, बराबर ले जाओ I1 को उधर, तो हो जाएगा I1, तो मतलब I1 का मान आ जाएगा 3 एम्पियर। लेकिन हमसे मान किसका चाहिए, I का मान चाहिए, धारा में I का मान निकालना है। आइए यहाँ पे दे रखिए, ये तो P बिंदु पर था, अब देखो अब लिखेंगे बिंदु Q पर, बिंदु Q पर, अब देखो बिंदु Q पर देखो ये I1 आ रहा है बिंदु Q पर, तो I1 लिख देंगे। फिर आगे देखो ये 1 एम्पियर की धारा ये जो है ये जा रही है इससे, तो इसका लिखेंगे माइनस का 1 एम्पियर। और यहाँ से I2 जा रही है, तो लिखेंगे माइनस का I2 बराबर 0, क्योंकि ये बिंदु Q से जा रही है, हटके दूर हट रही, भाग रही है, ये भी दूर हट रही है, लेकिन ये I1 पास में आ रही है Q1 के, ठीक है, Q के। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो I1 का मान निकला था 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर माइनस का 1 एम्पियर माइनस का I2 बराबर 0, तो यहाँ पे बचा 2 एम्पियर, और बराबर ले जाएंगे I2 को साइड में, तो I2 आ जाएगा। तो यहाँ से I2 का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। अब देखो बिंदु R पर, बिंदु P हो गया, Q हो गया, बिंदु R की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, बिंदु R पर समझो इसको, बिंदु R की बात करेंगे यहाँ पर, देखो R बिंदु आपके सामने है, ठीक है, इसको समझना है आपको थोड़ा सा, बिंदु R आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो उसका कलर थोड़ा सही कर लेते हैं। बिंदु आर पर देखेंगे, देखो बिंदु आर पर ये वाली धारा जो आ रही है I2, तो I2 तो मिल रही है, तो लिखेंगे I2। फिर यहाँ से देखो I2 गया, और एक जो 1 एम्पियर की जो धारा है ये भी जा रही है बिंदु आर पर, जा रही है, तो लिखेंगे प्लस का 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया। और I और 1.2 एम्पियर ये दोनों बाहर की ओर जा रही हैं, तो लिखेंगे माइनस का I और माइनस का 1.2 एम्पियर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्लियर। अब देखो I2 का मान कितना है आपको दिया गया, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर प्लस का 1 एम्पियर माइनस का I और माइनस का 1.2 एम्पियर बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 और 1 3,
3 एम्पियर माइनस 1.2 एम्पियर बराबर, और आई को 60 भेज देंगे तो हो जाएगा बराबर में आपका आई। तो 3 से जब 1.2 जाएगा कितना बचेगा, 1.8 एम्पियर बराबर आई। 1.8 एम्पियर बराबर आई, आई का मान कितना जाएगा 1.8 एम्पियर। आपसे पूछा क्या गया, आई का मान पूछा गया, और आपका आई का मान आ जाएगा 1.8 एम्पियर। समझ में आ गया आप लोगों के? तो इस प्रकार से हम लोग धारा का मान निकाल सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट।